समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर ही अपने बयानों के चलते सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं और इन दिनों शफीकुर रहमान बर्क का एक और बयान सुर्खियों का हिस्सा बन चुका है। शफीकुर रहमान बर्क लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मुसलमानों के एक होने का वक्त अब आ चुका है और मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए और अपनी एक दूसरे की जेबों पर डाका डालने के बजाय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन इस बयान को जिस तरीके से उन्होंने कहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा दर्शा रहा है कि लोगों को भड़काने की कोशिश शफीकुर रहमान बर्क करते नजर आ रहे हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं उनका ये बयान। तो सुना आपने शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान को जहां वह साफ तौर पर मुसलमानों के एक होने की बात कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ वक्त पहले शफीकुर रहमान बर्क की नाराजगी अखिलेश यादव को लेकर के भी थी, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार ही शफीकुर रहमान बर्क के भड़काऊ बयान लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करते रहते हैं। और क्या इसको ऐसा माना जाए कि वो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का काम भी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।